लॉकडाउन एक ऐसा शब्द जो पिछले एक साल से हर एक भारतीय इंसान के मुंह पे रटा हुआ है, और ये एक ऐसा समय है जो पिछले एक साल से करोड़ों लोगों की जिंदगी को अफेक्ट कर रहा है। तो इसी टॉपिक पर आज मैं जनता का ओपिनियन लेने वाला हूँ। अंकल, जो दूसरी बार लॉकडाउन लगा मुझे देश में, इससे आपको क्या प्रभाव पड़ा? सब कुछ बंद है, लोग कम निकल रहे हैं, धंधा पानी नहीं है, पब्लिक नहीं जा रहे हैं कहीं, प्रभाव तो पड़ेगा ही ना। तो जैसे कि आपको पैसेंजर्स पहले मिलते होंगे, तो अब उसमें तो कुछ अभी कम मिलते हैं, कहा 10-20-50 को छोड़ते थे, अभी 2-4-5 मिलते हैं भर दिन में। अच्छा, तो और आपके घर पे कैसे हालात है? हालात कैसे, हम ऑटो चलाते हैं, हालात तो वही ऑटो वाले के कैसा होना चाहिए। तो आज हमारे साथ है एक बहुत ही बड़ा कंटेनर, ये देखिए उसे। तो लॉकडाउन जो लगा है उसकी वजह से आप पर क्या असर हो रहा है? लॉकडाउन में घर में से बाहर नहीं जाने के लिए और खेलने नहीं मिल रहा है। खेलने जाते भी है तो पहले सबने पहले आते हैं, सैनिटाइजर करते हैं, हाथ साबुन से धोते हैं और सीधा नहाने जाते हैं। हाँ, तो आपको क्या लगता है लॉकडाउन खुलना चाहिए? हाँ जरूर। तो अंकल, जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन है अभी, तो लॉकडाउन से आपको क्या अफेक्ट हो रहा है? घर पे ना ही धंधा पानी है, और प्लस दूसरी बात ये कि सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक धंधा खुलने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और चाहे फ्रूट वाला हो, चाहे भाजी वाला हो, चाहे किराने वाला हो, एवरीथिंग जो भी है, हर धंधे वाले को छोटे से लेकर बड़े कारोबारी तक, तो हर किसी को नुकसान होगा। और हमारा तो खैर कच्चा धंधा है फ्रूट का, ठीक है, अगर हम सुबह से 7 बजे से लेकर 11 बजे तक चालू रखेंगे और उसके बाद अगर हम बंद रखेंगे तो हमारा तो पूरा माल खराब हो जाएगा, हम लॉस है। तो अब हम आ चुके हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। इस जगह की हिस्ट्री मुंबई के साथ बहुत पुरानी है। तो उनका लॉकडाउन की वजह से लोगों की जिंदगी में क्या असर पड़ रहा है? बहुत बुरा असर है भाई। और खाने पीने का सबका? उसका तो काम ही आदमी का बंद है, जो जिसके पास है उसके लिए ठीक है, नहीं है उसके लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। क्या बस, तो आपको क्या लगता है अगर लॉकडाउन खुला फिर से तो जो लोगों की जिंदगी पहले जैसी हो जाएगी? शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन इसमें वो वापसी लाने के लिए सरकार को भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ। इसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, थोड़े सही काम धंधे उतने बंद किए, जब तक उन्होंने चालू करेगा दिक्कत तो थोड़ी रिटर्न इतना जल्दी सब कुछ सही हो जाएगा। इसके लिए थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो अभी हम लोग हैं गेट ऑफ इंडिया के पास, और जैसे कि आप लोग देख सकते हो कितनी रोड पूरी खाली है, एक भी गाड़ी नहीं है यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से। फाइनली चर्च गेट से बाहर निकल रहे, आगे बढ़ो। हाँ।